हेलो दोस्तों, हम जब भी एडिटिंग ऐप्स के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ एप्लीकेशन आते हैं, जैसे कि पेसार्ट हुआ, लाइट रूम हुआ या फिर स्नैपसीड हुआ। तो मैं आज एक ऐसा एप्लीकेशन लाया हूँ जो इन तीनों के में जितने भी फ्यूचर है वो सारे फ्यूचर इस एक ही एप्लीकेशन में अवेलेबल है। और इसमें कुछ ऐसे फ्यूचर भी है जो कि मैंने आज तक किसी सॉफ्टवेयर में भी नहीं देखे, किसी फोटोशॉप में भी नहीं देखे या तो किसी पीसी की सॉफ्टवेयर में भी नहीं देखे, एंड्रॉयड में तो बिल्कुल भी नहीं देखे। इसमें कुछ ख़ास फ्यूचर भी अवेलेबल है जो कि मैं एंड में बताऊंगा, आप एंड तक वीडियो लाजमी देखना। चलो बातें बहुत हो गई, अब एक इंट्रो के साथ शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये मोड एपीके है, अगर आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे तो इसमें कुछ फ्यूचर लॉक होंगे। तो चलिए इसे ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, आपको ओपन फोटो पर क्लिक करना है, एक फोटो सेलेक्ट करना है। सबसे पहले मैं ये वाला फोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा टाइम लेगा। इसमें सबसे पहला फ्यूचर है स्टाइलिस का, तो चलिए इसे चेक करते हैं। इस पर टैप करने के बाद आप देख सकते हैं काफ़ी फ्यूचर आ चुके हैं। इसमें आप एक एक सेलेक्ट कर सकते हैं, पर मैं इतना नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर वीडियो लंबी बन जाएंगी। मैं ये एक दिखाता हूँ। अब इस पर टैप करेंगे तो एक क्लिक में फोटो चेंज हो जाएगा, फिर आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं आप कितना लगाना चाहते हैं। तो ये इतना काम का नहीं है, इसे मैं हटा देता हूँ। फिर जाएंगे ट्रांसफॉर्म में, ट्रांसफॉर्म थोड़ा सा अच्छा फ्यूचर है इसमें। इसमें ये तो हर किसी में होता है, लेकिन इसमें कुछ ख़ास एक और है जो कि मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। ये इस पर क्लिक करने के बाद आप ये करेंगे, ये देखो इस फोटो को जूम करता है, ऐसा लगता है जैसे नज़दीक से खींची हो, मतलब क्लोज से खींची हो और या तो दूर से खींची हो, आप इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। ये मुझे एक ख़ास फ्यूचर लगा इसमें। फिर बॉर्डर भी बना सकते हो, एक फोटो का बॉर्डर होता है ना, वो बना सकते हो, इसमें हर कलर का बना सकते हो। फिर आता है एडजस्ट का, इसमें एडजस्ट में इतना फ्यूचर है कि आप देखते हैरान हो जाओगे। ये देखिए, ये लाइट रूम की जैसा ही है, लाइट रूम में जो कुछ भी फ्यूचर होता है वो सारे यहाँ पर अवेलेबल है, देख सकते हो। आपने ये ज़रूर लाइट रूम में तो देखे होंगे। इसमें कॉन्ट्रास्ट, ब्राइटनेस, हाईलाइट, शेडो, वाइट, ब्लैक सब कुछ मौजूद है। फिर आता है कलर, कलर में आप देख सकते हो ये भी लाइट रूम में मौजूद है पूरा का पूरा, जैसे कि सैचुरेशन हो गया, वाइब्रेशन हो गया, टेंट हो गया या फिर टेम्परेचर हो गया, सब कुछ इसमें मौजूद है। फिर बात आते हैं HSL में, ये देख सकते हो ये लाइट रूम में ये भी मौजूद है मैक्स के नाम से, उसमें मैक्स का नाम है HSL है। इसमें एक एक कलर को अलग तरीके से एडजस्ट कर सकते हो, ये भी खास फ्यूचर है इसमें। ये देखिए, हम सिर्फ एक कलर चेंज होगा, बाकी एक भी चेंज नहीं होगा। इसी तरह आप हर कलर को अलग ही तरीके से एडजस्ट कर पाएंगे। मैं हर कलर का तो नहीं दिखा सकता क्योंकि फिर वीडियो बड़ी लंबी बन जाएंगी, इसलिए मैं ये कि एक ही कलर एडजस्ट करके दिखाता हूँ। फिर बात आती है ट्यूनिंग की, आप ट्यूनिंग में शेडो या फिर हाईलाइट्स को एडजस्ट कर पाएंगे। ये फ्यूचर लाइट रूम में भी मौजूद नहीं है, आप शेडो को अलग तरीके से कलर दे सकते हो, जैसे कोई भी कलर आप सेलेक्ट कर सकते हो, शेडो को भी दे सकते हो और हाईलाइट्स को भी दे सकते हो, और फिर उसके बाद आप उसके सैचुरेशन को भी एडजस्ट कर पाओगे। तो ये तो हुआ शेडो का, अब हाईलाइट का चेक करते हैं। इस हाईलाइट पर क्लिक करेंगे तो आपका हाईलाइट्स का भी अलग तरीके से कलर दे सकते हो। फिर बात आती है इफेक्ट्स पे, इफेक्ट्स में भी काफ़ी सारे फीचर है, जैसे जूम ब्लर हो गया, जूम ब्लर लाइट रूम में भी मौजूद नहीं है, इसमें मौजूद है, जैसे रोटेशन ब्लर हो गया या फिर ब्लर स्टेट हो गया। फिर आती है पिंगिंग भी, पिंगिंग कुछ ख़ास फीचर नहीं है इसका, इतना इस्तेमाल नहीं है, इसलिए हम इसे यूज़ नहीं करेंगे। फिर बात आती है हमारी डिटेल में, डिटेल में आप क्लियरिटी बढ़ा सकते हो, शार्पन बढ़ा सकते हो,
डिनोइस ल्यूमिनस को इंक्रीज कर सकते हो या फिर डिनोइस कलर को इंक्रीज कर सकते हो। ये बात आता है कोर वेस, इसमें भी आप अलग तरीके से कलर एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन ये इतना ख़ास कलर चेंज नहीं करता, इसलिए हम इसे नहीं छेड़ेंगे। एक ख़ास फीचर और भी है जो कि रिटचिंग है, यहाँ देख सकते हो, और इसमें ख़ास बात यह है कि पेस को ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है। जैसे कि आप यहाँ से स्कैन स्मूथ कर सकते हैं, तो आपको पिक्चर को कोई क्वालिटी लूज़ नहीं होगा, सिर्फ पेस को ये स्मूथ करेगा। ये स्कैन को आप बढ़ा भी सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, स्कैन शेडो को भी इंक्रीज या फिर माइनस कर सकते हैं, लुमिनस को भी बढ़ा सकते हैं, हाईलाइट्स को भी, यू की भी चेंज कर सकते हैं पेस को। ये सारा कुछ आप यहाँ से इस तरीके से एडजस्ट कर पाएंगे। फिर बात आती है हेड, हेड को भी आप इस तरह से बढ़ा सकते हैं या फिर छोटा कर सकते हैं। इसमें काफ़ी सारे आप पूरा का पूरा सब कुछ एडजस्ट कर पाएंगे, जैसे कि आई हो गया, नोज़ हो गया, माउथ हो गया या फिर टीथ हो गया, सब कुछ इसमें मौजूद है। अब बात करते हैं इसमें ऑल टूल्स की। ऑल टूल्स पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने काफ़ी सारे टूल्स आ जाएंगे। ये देख सकते हो काफ़ी सारे टूल्स हैं जो कि मैं काफ़ी को, जैसे कि ये एपेक्स में सारे कुछ थे, एडिट्स में सारे फीचर उसमें थे जो मैं आपको बता चुका हूँ। अब मैं आपको बताने वाला हूँ जो इसमें सबसे ख़ास फीचर है, जो कि मैंने फर्स्ट पे आपको बताया था कि मैं लास्ट में आपको एक फीचर बताऊँगा जो कि किसी भी ऐप्स में मौजूद नहीं है। तो आप ये देख सकते हो सिलेक्शन पे आप जैसे भी क्लिक करते हो तो ये सब कुछ ऑटोमेटिकली सेलेक्ट होगा, मतलब ये पूरा सारा कुछ ऑटोमेटिक सेलेक्ट करता है, जैसे कि पर्सन हो गया, बैकग्राउंड हो गया, ये हो गया, ये पिक्चर का साइड हो गया, ऊपर से हो गया, या फिर कलर हो गया, सब कुछ ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है। फिर अब एक एक को अलग तरीके से एडजस्ट कर पाएंगे। तो ये मैंने पर्सन पे क्लिक किया, अब मैं एडिट करूँगा तो सिर्फ मेरे बॉडी जो है वो एडिट होगा, बैकग्राउंड को या फिर बाकी जगह को कोई लूज नहीं होगा या फिर वो एडिट भी नहीं होगा। इसी तरह से पूरा एडिट कर सकते हैं, जैसे कि लाइक कलर हो गया या फिर लुमिनस हो गया या फिर सैचुरेशन हो गया, ट्यूनिंग हो गया, पूरा एडिट कर सकते हैं एक एक चीज़ को और एक एक जगह की, सब कुछ अलग अलग होगा इसमें, ये ख़ास फीचर है। फिर मैं सिलेक्शन पर क्लिक करेंगे तो बैकग्राउंड, इस बार हम सेलेक्ट करेंगे बैकग्राउंड को, अब मैं एडिट करूँगा तो सिर्फ बैकग्राउंड एडिट होगा, ये देख सकते हो सिर्फ बैकग्राउंड एडिट हो रहा है। ये मुझे सबसे बेहतर ऑप्शन लगा। और बात बता दूँ, अगर आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे तो ये सिलेक्शन वाला ऑप्शन जो है ये लॉक होगा, जिसलिए मैंने एक लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, अगर आप वहाँ से डाउनलोड करेंगे तो वो मोड एपीके होगा, इसीलिए आप सिलेक्शन का ऑप्शन फ्री में यूज़ कर पाएंगे, मतलब वो फ्री होगा, आप वहाँ से लाजमी डाउनलोड करना, प्ले स्टोर से नहीं करना। हमारा वीडियो यहाँ तक था, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ।